हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजी कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा न करवाने के फैसले को लेकर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय में मंगलवार को एनएसयूआई द्वारा कुलपति से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने छात्रों को जबरदस्ती वहां से हटा दिया। आपको बता दें कि सोमवार देर रात्रि तीनों छात्र संगठनों ने बीसी के घर का घेराव किया था, जहां पर उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया गया था कि कल कुलपति कार्यालय में छात्र संगठन अपनी बात रख सकते हैं, वहीं पर कुलपति उनसे बात करेंगे। लेकिन छात्र संगठन एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि आज जब तीनों छात्र समूह के कार्यकर्ता बीसी कार्यालय बात करने के लिए पहुँचे तो उन्हें बरगलाने की कोशिश की गयी, जिसके बाद छात्र संगठनों ने बाहर आकर नारेबाजी शुरू कर दी। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बीसी की गाड़ी को रोकना चाहा तो बलपूर्वक उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। नमस्कार साथियों, आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बार फिर से जब एनएसयूआई द्वारा, जब प्रशासन द्वारा तीनों छात्र संगठनों को बात करने के लिए बुलाया गया था, एनएसयूआई ने पिछले कल भी घेराव करा था कुलपति महोदय के ऑफिस में जाकर, जब तमाम छात्र संगठन के 5-5 सदस्य मीडिया के जरिए जब बुलाया गया था 5-5 सदस्यों को, वहां जाकर कुलपति का जिस तरह से रवैया था, तानाशाही रवैया, उन्होंने हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया गया। नहीं नहीं, जो उनकी एक तरकीब रहती है छात्रों को बरगलाने की और छात्रों के हकों को मारने की, उसके विरोध में जब तमाम छात्र संगठन वहां से निकल गए तो एनएसयूआई द्वारा कुलपति का रास्ता रोका गया और तमाम हमारे जो एनएसयूआई के संघर्ष साथी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सड़कों में लेट गए और विश्वविद्यालय कुलपति का रास्ता रोका। लेकिन पुलिस की बर्बरता के कारण, पुलिस द्वारा जब जबरन और बर्बरता पूर्वक एनएसयूआई के साथियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एनएसयूआई के तमाम साथी मजबूत चट्टान की तरह, छात्र हितों की रक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं होनी चाहिए, इसके खिलाफ आज भी और आगे भी लड़ती रहेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।